आमी जे कोनी मंडे सब्सक्राइब। दोस्तों मंजुलिका तो हमारे साथ आ गई, अब आप भी आ जाओ, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अब खूनी मंडे के साथ साथ हमारी नई पेशकश फ्रीकी फ्राइडे भी एंजॉय करो। चेक आउट आवर न्यू एक्सक्लूसिव हॉरर स्टोरी कर्स्ड चाइल्ड, ओनली ऑन आवर स्पॉटिफाई पॉडकास्ट द हॉरर शो बाय खूनी मंडे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ऋत्विक अभी हाल ही में अपने एक्टर बनने के ड्रीम को पूरा करने के लिए मुंबई शिफ्ट हुआ था। ये शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। वो यहां पर आकर 3 लड़कों के साथ एक 1 BHK फ्लैट शेयर कर रहा था। वो तीनों लड़के भी एक्टर बनना चाहते थे और वो भी कई सालों से मुंबई में ही रह रहे थे। उनके सामने ऋत्विक एक नौसिखिया था, इसलिए ऋत्विक को लगा था कि शायद वो लड़के उसे भी मुंबई में रहने के तौर तरीके सिखा देंगे। लेकिन उनमें से एक लड़का विनय ऋत्विक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उन दोनों का छोटी छोटी बातों पर अक्सर झगड़ा हो जाता था। ऊपर से ऋत्विक को मुंबई में कोई काम भी नहीं मिल रहा था। वो रोज 3-4 ऑडिशंस देता था पर उसे आज तक कभी भी कोई कॉल बैक नहीं आया था। अब ऋत्विक बहुत उदास रहने लगा था। एक बार विनय ने उसके साथ एक प्रैंक करने का सोचा। उसने एक फेक प्रोडक्शन हाउस की ईमेल आईडी बनाकर ऋत्विक को उस आईडी से एक ऑडिशन मेल भेजा। उस ईमेल में लिखा था कि ऋत्विक को एक नई हॉरर मूवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। उस ईमेल को पढ़कर ऋत्विक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतने वक्त से वो ऐसे ही किसी मौके का इंतजार कर रहा था। एक्साइटमेंट के चलते उसने उस ईमेल का तुरंत ही रिप्लाई कर दिया। विनय ने इसके बाद कुछ ऐसा किया जो शायद उसे कभी नहीं करना चाहिए था। उसने एक और मेल किया जिसमें उसने ऋत्विक को ऑडिशन की डेट, टाइम और जगह बताई। मेल में लिखा था कि ऋत्विक को अगली रात 11 बजे डिसूजा चौल पहुंचना था। डिसूजा चौल, ये कोई मामूली चौल नहीं था, बल्कि लोगों की माने तो ये एक हॉन्टेड जगह थी। इस चौल में रहने वाली एक औरत की कुएं में गिरकर मौत हो गई थी और उसके बाद से उस चौल में भयानक चीजें होना शुरू हो गईं। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने रात में बाहर निकलना छोड़ दिया था। सब जगह खबर फैल गई थी कि उस चौल में बने कुएं के पास अक्सर सफेद साड़ी पहने एक औरत भटकती है। मुंबई में रहने वाले ज्यादातर लोगों को इस चौल के बारे में पता होता है, पर ऋत्विक डिसूजा चौल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। हालांकि उसे ऑडिशंस की टाइमिंग्स देखकर थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने सोचा कि यह उसकी लाइफ की पहली अपॉर्चुनिटी है और उसे इसे छोड़ना नहीं चाहिए। ऑडिशन की रात ऋत्विक तैयार होकर डिसूजा चौल पहुंच गया। डिसूजा चौल के गेट के सामने आते ही उसे अचानक से ठंड लगने लगी और एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। पर हैरानी की बात तो ये थी कि डिसूजा चौल बंद था। वहां पर उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। वो इलाका बिल्कुल सुनसान था और ऋत्विक को वहां पहुंचकर ठीक नहीं लग रहा था। ऋत्विक वहां से वापस जाने ही वाला था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। लेकिन जब वो मुड़ा तो वहां कोई नहीं था, पर अब उस चौल का गेट खुला हुआ था और अंदर से एक रोशनी आ रही थी। ऋत्विक को सब कुछ अजीब लग रहा था, पर अंदर से आती रोशनी देख उसे लगा कि शायद वही ऑडिशन का एरिया होगा और वो उस तरफ चल दिया। जैसे ही ऋत्विक अंदर गया, उसे एक बड़ा सा कंपाउंड दिखा जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा कुआं था। ऋत्विक की नजर अब उस कुएं पर गई और जो उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। कुएं के किनारे पर एक औरत खड़ी हुई थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुएं में कूदने ही वाली हो।
वो औरत दिखने में बेहद अजीब थी और वो ऋत्विक को घूरे जा रही थी। वो ऋत्विक को देखकर बोली, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचा लो। ये देखते ही ऋत्विक ने उस औरत को आवाज लगाई और उसे बचाने के लिए भागा, पर उसके आवाज लगाते ही वो औरत कुएं के अंदर कूद गई। ऋत्विक भागकर कुएं तक पहुंचा तो उसने देखा कि उस कुएं के अंदर कोई भी नहीं था, यहां तक कि पानी के हिलने तक का भी निशान नहीं था। ऋत्विक बहुत घबरा रहा था क्योंकि उस औरत को कूदते हुए उसने अपनी आंखों से देखा था। कुछ वक्त तक उस इंसिडेंट के बारे में सोचते हुए ऋत्विक वहीं खड़ा रहा, लेकिन फिर वो वहां से जाने लगा। उसने जैसे ही अपने कदम वापस गेट की तरफ बढ़ाए, उसे पानी में कुछ हलचल होती हुई दिखाई दी। ऋत्विक ने फटाफट अपने फोन की टॉर्च ऑन की और उस कुएं में झांक कर देखने लगा। अचानक पानी के ऊपर से एक सड़ा गला इंसानी हाथ आया और उसने ऋत्विक का हाथ पकड़ लिया। वो हाथ उसी औरत का था क्योंकि उसकी कलाई पर चूड़ियां थी। ऋत्विक उस गले हुए हाथ की जकड़ में था और वो बुरी तरह से डर के मारे हांफ रहा था। उसने किसी तरह अपना हाथ छुड़ाया और कुएं के पास ही गिर गया। देखते ही देखते वो डूबती हुई औरत बिना किसी रस्सी के कुएं की दीवार से ऊपर चढ़ने लगी। उसका पूरा शरीर गला हुआ था और उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक था। ऋत्विक के पैर वहीं जम गए। उस औरत को ऊपर आता देख उसकी जान सूखी जा रही थी। वो औरत अब कुएं के ऊपर आ गई और ऋत्विक को घूर कर देखने लगी। उसने ऋत्विक से कहा, तूने नहीं बचाया ना मुझे, और उस रात भी मुझे कोई बचाने नहीं आया। मैं तड़प तड़प कर मर गई, अब तू भी वैसे ही मरेगा। ये सुनते ही ऋत्विक ने अपने होश संभाले और फौरन उस चौल से बाहर भागा। भागते भागते उसने अपनी साथ वाली दीवार पर देखा तो उसे दिखा कि काली परछाई उसके साथ साथ ही दौड़ रही थी। जब वो गेट से बाहर निकला तो उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बस कुछ समय तक उस खाली रोड पर पागलों की तरह भागता ही रहा। हमारी अगले हफ्ते की कहानी हॉन्टेड थ्री किंग्स चर्च स्पॉटिफाई पर ऑलरेडी लाइव है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करिए और जल्दी से उसे सुनिए। और हाँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।